Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to start our exercise 7.4. Before we starting exercise 7.4, firstly we discuss about some main formulas of this exercise. This exercise based upon the profit and loss, है ना? सो प्रॉफिट एंड लॉस आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट, व्हाट इज़ द लॉस. जनरल लाइफ में आपकी इसका नेम ही चैप्टर का ही है, कमर्शियल मैथमेटिक्स. जनरल लाइफ में भी आप यूज़ करते हो ना, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, मैंने ये चीज़ खरीदी तो कहाँ पे मुझे लॉस हुआ है. तो प्रॉफिट लॉस आपको पता है. चलो पढ़ते हैं, एक एक टर्म को पढ़ते जाते हैं, देन आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट टर्म है हमारी कॉस्ट प्राइस. वट इज़ कॉस्ट प्राइस? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज, है ना? जिस पे क्या है, हम किसी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं. परचेज क्या होता है? ख़रीदना, ना? जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, डैट इज़ नोन एज द कॉस्ट प्राइस. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ मैंने एक पेन 5 रुपये का ख़रीदा, तो 5 रुपीज़ में मैंने परचेज किया है ना, ख़रीदा है ना, तो डैट इज़ माई कॉस्ट प्राइस. तो वो मेरी क्या है? कॉस्ट प्राइस. क्लियर? देन सेकेंड, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होगी? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, है ना? अ प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड. प्राइस जिस पे क्या है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ क्या है, सोल्ड हो रही है. सोल्ड का मतलब बेची जा रही है. जिस प्राइस पे, मतलब इस सेलिंग प्राइस किसका होता है? जैसे एक दुकानदार और शॉपकीपर होता है, हम होते हैं, है ना? शॉपकीपर क्या चीज़ को बेचता है, हम क्या ख़रीदते हैं. तो जो शॉपकीपर जितने रुपए में हमें वो चीज़ देगा, वो उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस. जैसे 5 रुपये में उसने हमको पेन दिया, तो शॉपकीपर का SP क्या होगा? 5 रुपीज़. हमारा CP क्या होगा? 5 रुपीज़. ठीक है, दोनों के हो गए 5 5 रुपीज़. पर बेच कौन रहा है? शॉपकीपर, ना? तो शॉपकीपर का क्या हो गया, ये शॉपकीपर के लिए 5 रुपीज़ SP बन गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बेची है. और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जो 5 रुपये है वो हमारा क्या बन गया? CP, क्योंकि हमने ख़रीदी है. तो जो बेचता है उसका सेलिंग प्राइस, जो ख़रीदता है उसका कॉस्ट प्राइस. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. इसके बाद कौन सी टर्म है? नेक्स्ट टर्म इज़ प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट कब होगा? ऑब्वियसली मान लो दुकानदार कहीं से लेके आता है ना चीज़, कहीं से मान लो पीछे से चीज़ लेके आता है. वो किसी पेन को 4 रुपये में लेके आया, उसने पीछे से किसी कंपनी से जो पेन है वो 4 रुपीज़ में लेके आया, और उसने आपको 5 रुपीज़ का बेच दिया, है ना? आपको क्या है? 5 रुपीज़ का बेच किया. तो उसको कितने कितने रुपये ज़्यादा में उसने बेचा? 1 रुपये ज़्यादा में बेचा. तो वो जो उसने 1 रुपया कमाया है, डैट इज़ हिज़ प्रॉफिट. वो उसका क्या है? प्रॉफिट है. ठीक है, तो 1 रुपया क्या हो गया? उसका प्रॉफिट. तो अगर हम सिंपल बात करें, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. मतलब जैसे जो सेलिंग प्राइस होगी उस शॉपकीपर की, ठीक है, जैसे शॉपकीपर ने CP उसने ख़रीदा, वो पेन 4 रुपीज़ में था. ये दोनों चीज़ें शॉपकीपर की हैं. ख़रीदा उसने 4 रुपीज़ में, और उसने बेच कितने में दिया? 5 रुपीज़ में, है ना? तो उस हमेशा कब होता है प्रॉफिट? व्हेन द CP इज़ मोर देन द SP. जब क्या है, हमेशा CP सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा SP से, तभी प्रॉफिट होगा. अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना है. ठीक है, जब भी क्या है, SP बेचने वाली जो मूल्य है वो क्या ज़्यादा होगा किससे? ख़रीदने वाले से, CP से, तब क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट निकलता कैसे है? ऑब्वियसली बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP. सो फर्स्ट फॉर्मूला आपका बन गया ये प्रॉफिट निकालने का. कैसे निकालते हैं हम? SP माइनस CP. क्लियर? अब लॉस कब होता है? उस शॉपकीपर ने मान लो, ठीक है, शॉपकीपर ने जो पेन है वो 5 रुपये में ख़रीदा था, और उसने हमको बेच कितने में दिया? 4 रुपीज़ में बेच दिया. उसने ख़रीदा 5 रुपये में, शॉपकीपर ने, आपको वो 4 रुपये में दे रहा है, तो उसको तो क्या है, घाटा ही पड़ा है. यहाँ पे उसने 1 रुपीज़ कम का बेच रहा है ना, वो -1 में, तो 1 रुपीज़ का क्या है, उसको यहाँ पे लॉस होएगा. तो हमेशा लॉस के केस में क्या है, ये उसका CP था, उसने ख़रीदा था 5 रुपये में,
और 4 रुपये में क्या है उसने बेचा है, तो हमेशा लॉस के लिए क्या है सी पी बड़ा होगा एस पी से, हमेशा क्या है सी पी इज़ ग्रेटर दैन द एस पी फॉर लॉस, लॉस में हमेशा सी पी ग्रेटर होगा और लॉस निकलेगा कैसे बड़ी में से छोटी माइनस करके, सो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, क्लियर। तो दोनों याद रखना किसमें हमने एस पी माइनस सी पी करना है, किसमें सी पी माइनस एस पी करना है, तो उनको ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान से याद रखना। आगे आ जाओ, अभी हमने सिंपल प्रॉफिट और लॉस तो पढ़ लिए, प्रॉफिट और लॉस मतलब कितने रुपीज़, ये सिंपल प्रॉफिट थे, परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज बाद में आए, अभी सिंपल रुपीज़ में जैसे 1 रुपये का लाभ हुआ या फिर 1% का प्रॉफिट हुआ 1% का लॉस हुआ, ये रुपीज़ में था, पर आगे हमने पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, परसेंटेज में किसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट लॉस हुआ, तो वो चीज़। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, अगर हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे हमने लॉस परसेंट निकालना हो, तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर रखो प्रॉफिट, लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर रखो लॉस, नीचे हमेशा दोनों का बेस सी पी ही कंसीडर करना है, ठीक है। हमेशा जो भी किसी भी बंदे को प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सी पी पे होता है, जितना वो ख़रीदता है उसी कंपेयर करके पता चलता है हमें कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट, लॉस हुआ है या प्रॉफिट, तो हमेशा सी पी से कंपेयर करके पता चलता है। तो नीचे हमेशा बेस क्या लेना है हमने सी पी, मल्टीप्लाई में रखना है 100, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ये याद करने हैं, फॉर्मूले आएंगे इनको याद करते जाना है अपने एज इट इज़, ठीक है, और इनको कॉपी पे भी लिखना है एक्टिविटी बना के। आगे व्हेन गेन परसेंट इज़ गिवन, देखो अगर हमें कहीं पे भी गेन परसेंट दिया हो, जैसे हमें दे दिया कि एक बंदे को 20% गेन हो रहा है, ठीक है, 20% गेन हो रहा है, और मान लो उसका आपको सी पी भी दे दिया, ठीक है, सी पी दे दिया, उसका गेन परसेंट दे दिया, प्रॉफिट गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंट बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, सो आपको सी पी भी दे रखा है, तो आपको बोल दिया एस पी फाइंड आउट करो, तो आप देखो ऐसा कोई फॉर्मूला तो अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है, ये न्यू फॉर्मूला है, एस पी इज़ इक्वल टू 100% 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सी पी अपॉन में 100। तो ये आपने फॉर्मूला एज इट इज़ ही याद रखना है, इसकी कोई भी डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूले एज इट इज़ याद रखने हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, गेन परसेंट पुट कर दोगे, यहाँ पे सी पी पुट कर दोगे, आपका क्या है एस पी निकल जाएगा। तो फॉर्मूले प्लीज़ ये आपने याद रखने हैं ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हो ना, गेन परसेंट और सी पी दिया हो, तो आप एस पी निकाल सकते हो, इसके ऑपोजिट भी है, चाहे आपको यहाँ पे एस सी पी की जगह पे एस पी दिया हो, तो बस इसको क्या है सी पी को इधर रखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो 100 को, तो एस पी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये जो नीचे, ये नीचे चली जाएगी, तो इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको अलग से याद करो इसको अलग से, एक याद कर लो दूसरा तो खुद से ही निकल जाएगा, बस सी पी को इधर रख लो और सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो ये फॉर्मूला खुद से ही डिराइव हो जाएगा जो नीचे वाला है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला याद करना है, नोट नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला खुद से निकल जाएगा। तो सिमिलरली जैसे एक याद कर लो, लॉस परसेंट वाला खुद से हो जाएगा, गेन वाला याद है, बस जहाँ पे गेन आया वहाँ पे क्या है आप लॉस कर दोगे, और लॉस में क्या है माइनस, उसको लॉस हो रहा है ना, तो बस यहाँ पे याद रखो गेन में यहाँ पे प्लस आएगा, लॉस में यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना डिफरेंस है और सारा सेम है। अगर आपको ये याद है तो आप ये आराम से कर सकते हो, खुद से निकाल लो सी पी इधर रखो और सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो बस प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस में इतना ही डिफरेंस है, प्रॉफिट में यहाँ पे प्लस आएगा, लॉस में यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है और सारा सेम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतने ही हमारी सारी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं, तो अब ध्यान से एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना सारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौरव सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ इतने एंड देयर बाय लॉस 20%। देखो कोई गौरव था, उसने क्या सोल्ड किया है प्लॉट, है ना, ध्यान से देखो क्या किया है, गौरव सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेचना, है ना, परचेज आया जहाँ पे, बाउट आए, परचेज आए मतलब ख़रीदना, सोल्ड आए सेल आए, ठीक है, वो सारा क्या है बेचना। तो गौरव ने सोल्ड किया है मतलब बेचा है कोई प्लॉट ऑफ लैंड इतने रुपये का, तो बेचा है ना उसने, तो मतलब उसका ये क्या गौरव का क्या हो गया, ये गौरव एस पी हो गया ना, सेलिंग प्राइस हो गया, उसने बेचा है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है, रुपीज़ 120,000 इतनी था, यस। उसके बाद उसको बेचने पे लॉस हो गया 20% का,
जब उसने उस लैंड को बेचा प्लॉट को, तो उसको लॉस हुआ है कितने का, 20%। उसका हमें लॉस परसेंट दे दिया, डेट इज़ 20। उसके बाद फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है प्लॉट की। सो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। सीपी क्या है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप खुद से सोचो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें परसेंटेज भी आए लॉस या गेन, और सीपी या एसपी में से एक चीज़ आए, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको भी पढ़ाया है ना, ये एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सीपी ओवर में 100। तो हमें क्या क्या, एसपी भी हमें गिवन है येस, उसके अलावा लॉस भी हमें गिवन है येस, तो सीपी हम क्या यहाँ से फाइंड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो, मतलब यही से निकाल लो, आप जैसे मर्जी है याद रख लो, इसी से खुद डिराइव करके दे लो, पर मैं सीधा ये लगा देती हूँ क्योंकि हमें सीपी चाहिए ना, तो सीपी वाला लगा दो। है तो दोनों सेम ही, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ऊपर वाला ही याद करना है आपने, तो मैं तो सिंपल आपको सीधा ही लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। हाँ, तो सीपी इज़ इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई में बाय में 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो अब क्या करेंगे, सीपी फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू एसपी कितना था, 120,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस लॉस। लॉस कितना था, डेट इज़ अ 20%। सो 100 माइनस 20, लॉस कितना था, 20%। यस, तो लॉस की जगह पे हमने पुट कर दिया 20। देन इसको एज इट इज़ रख लो अभी, ऊपर वाले को इंटू 100, 100 माइनस 20 डेट इज़ 80। सो ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गई। देन 4 के डबल 4 2 8, 4 3 12, 1 2 3 4। देन 2 के टेबल पे चला जाएगा ना, ये यहाँ पे कटवा दो, 2 5 10। देन 5 3 15, 0000। यस, इतने रुपीज़ हमारा क्या आ गया, डैट इज़ अवर आंसर, ठीक है। सो मतलब उसने इतने रुपीज़ में ख़रीदा था 1500 में, और उसने बेचा कितने में है, 12000 में बेचा है। तो ऑब्वियसली आप 00 को अगर नेगलेक्ट कर दो, 40 वहाँ पे, 4 वहाँ पे, तो सिंपल अगर मान के चले उसने 15 रुपये में ख़रीदी और 12 रुपये में क्या उसने बेच दी, ऑब्वियसली उसको लॉस ही होना था, बेची उसने कम में या 12 में, खरीदी उसने 15 में थी, है ना, तो ऑब्वियसली लॉस होना था, तो लॉस ही हुआ था। और हमने क्या सीपी कैलकुलेट कर दिया, तो डैट इज़ अवर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, अ बॉय बाइस, बाय बाउट है ना, बाउट हो बाइज हो मतलब क्या है, खरीदना, ना बाय हो या फिर बाउट हो, दोनों का मतलब क्या है, खरीदना। तो क्या है यहाँ पे, अ बॉय बाइज 6 एप्पल 4 रुपीज़ 9.60। कोई बॉय है वो क्या है, खरीद रहा है 6 एप्पल खरीद रहा है कितने के, 9.60 के, एंड सेल देम एट 10 for rupees 16। और वो क्या 10 एप्पल को बेच रहा है कितने में, ₹16 में, सेल कर रहा है ना, खरीदे उसने 6 एप्पल थे 9.60 रुपीज़ में, वो बेच कितने रहा है, सेल कितने कर रहा है, 10 एप्पल कर रहा है 16 रुपीज़ में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, हमने फाइंड करना है कि उसको कितना गेन होगा या फिर कितना लॉस होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ध्यान से समझना क्वेश्चन, पहले हम लिख लेते हैं, पहले क्या सिंपल अगर लिखे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको, बाय बाउट बॉय बाउट, ठीक है, 6 एप्पल 4 9, मैं सीधा लिख रही हूँ, 6 एप्पल उसने बाय किए हैं ना, 2 मिनट को ऐसे मत लिखो, सीधा लिखो बाय किए हैं, मतलब ख़रीदे हैं। तो सीपी ऑफ 6 एप्पल ऐसे लिख लो कि जो सीपी है 6 एप्पल की कितनी है, ₹9.60, है ना। देन उसने बेचे हैं तो एसपी ऑफ 10 एप्पल, 10 एप्पल उसने 10 एप्पल बेचे हैं ना, तो एसपी 10 एप्पल की कितनी है, डैट इज़ ₹16, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। अब हमने टोटल गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। सबसे पहले ना एक चीज़ ध्यान में रखो, हम कभी भी टोटल अगर कुछ भी बोला हो, अगर देखो हमें ऐसे बोल देते कि 6 एप्पल उन्होंने, बंदा है उसने 6 एप्पल 9.60 रुपीज़ में ख़रीदे हैं और उसने 6 एप्पल्स को ही 16 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है,
मतलब ये जो क्वांटिटी है ना ये सेम होनी चाहिए तब हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जब तक हमारे पास क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। क्लियर? यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे भी सिक्स होते तो हमारे इजीली निकल जाते। सिक्स ही यहाँ पे बात करते, सिक्स ही यहाँ पे, तो सिंपल यही से देख के पता चल जाता कि 16 बेचे ज़्यादा में है तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा, निकाल लेते देन है ना हम तो। पर नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस है, यहाँ पे 6 एप्पल्स हैं, यहाँ पे 10 एप्पल्स हैं, तो हम क्वेश्चन को सीधा नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ओफो सॉरी सी पी क्या थी, यहाँ पे 6 एप्पल्स की थी ना, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी पी निकालेंगे 6 एप्पल की बजाय 1 एप्पल की, यूनिटरी मेथड लगा के। ठीक है, यहाँ पे भी हम एस पी निकालेंगे 1 एप्पल की, किसके 10 एप्पल की बजाय किसकी, 1 एप्पल की। तो दोनों जगह पे हम 1 एप्पल की निकालेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, देन हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमें लॉस हुआ या गेन। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सी पी ऑफ 6 एप्पल दी हुई है, सो अगर हम सी पी ऑफ 1 एप्पल निकाले तो यूनिटरी मेथड या सबको पता होगा ना, अगर ज़्यादा की दी हुई है 1 की निकालनी है, कम की निकालनी है तो क्या होता है, डिवाइड। सो 9.60/6 है ना, डिवाइड होता है। डिवाइड करने के बाद मैं सीधा लिख रही हूँ, यहाँ पे 1.6 आएगा। ठीक है, रुपीज़ 1.6 की एक एप्पल की कॉस्ट उसने 1.6 रुपीज़ में ख़रीदा है। देन सिमिलरली सी पी ऑफ 1 एप्पल निकालेंगे, अब ज़्यादा की हमें एस पी दी हुई थी 10 की, एक की निकाल रहे हैं तो फिर डिवाइड होगा 16/10। सो कितना, ये भी 1.6 आ गया भाई। सो देखो सी पी भी 1 एप्पल की 1.6 आई और एस पी भी 1 एप्पल की 1.6 आई, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सी पी इज़ इक्वल टू एस पी। सो जब भी सी पी और एस पी इक्वल हो जाए सो हम क्या कह सकते हैं, जितने में उसने ख़रीदी चीज़ उतने में ही बेच दी। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो गेन, ना ही उसको कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको क्या कोई लॉस हुआ, क्योंकि जितने में ख़रीदी उतने में ही बेच दी, ना उसने कोई प्रॉफिट कमाया ना कोई उसने घाटा इसमें खाया। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, सो जो सी पी ऑफ 1 एप्पल है डैट इज़ इक्वल टू एस पी ऑफ 1 एप्पल, है ना। सो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या सेकंड क्वेश्चन करना था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, द प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग अ बकेट एट अ गेन ऑफ 8%। इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है शॉपकीपर, कब, जब वो सेल कर रहा है किसी बकेट को कितने गेन पे, एट अ गेन ऑफ 8%। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट शॉपकीपर प्रॉफिट कमा रहा है कब, जब वो उसको सेल कर रहा है किसी बकेट को 8% गेन पे सेल कर रहा है, जो वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। कह रहे हैं इज़, जावे भी इज़ आ जाता है, मतलब इक्वल टू, वो 28 किया होगा, 28 क्या होगा, 28 मोर होगा, 28 मोर देन व्हेन ही सेल इज़ एट लॉस ऑफ 8%। देखो अगर कोई शॉपकीपर किसी बकेट को 8% गेन पे बेचता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, 28 ज़्यादा होगा किससे, जब वो उसी बकेट को 8% लॉस पे बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेलिंग की बात की गई है, यहाँ पे भी सेलिंग की बात की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो बकेट की सेलिंग प्राइस की बोथ साइड पे बात की जा रही है। इसके अलावा हमने फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ठीक है ट्रिकी सा, देखो। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट। हमने सी पी बकेट की फाइंड करनी है कि उसने वो बकेट ख़रीदी कितने में होगी, है ना, एस पी सी पी कितनी होगी उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली उसको क्या लेट कर लिया करो एक्स। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, हम लेट कर लेंगे सी पी ऑफ बकेट, लेट सी पी ऑफ बकेट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, रुपीज़ एक्स। हमने उसको क्या लेट कर लिया कि उसकी जो सी पी है बकेट की वो कितनी है, एक्स रुपीज़ है। क्लियर, उसके बाद अब हमने इसको सी पी को एक्स लेट कर लिया। अब हमें क्या बोला था,
प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर बाय सेलिंग अ बकेट ऑफ, वो सेल कर रहा है बकेट को कितने पे, 8% गेन पे। तो अगर मैं यहाँ से जब वो सेल कर रहा है 8% गेन पे बकेट को, तो अगर मैं यहाँ से इसकी, ध्यान से सुनो, उसने क्या है पहले लिखो यहाँ पे, उसने सेल किया है ना बकेट को 8% गेन पे। अभी मैं अपने उसके लिए लिख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, ये चीज़ आप मत लिखना चाहे कॉपी में, सेल किया 8% गेन पे। तो अब हम यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हैं, अब हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं अगर हम बात करें। हाँ तो सेल किया है ना उसने, तो हम सेलिंग प्राइस ही निकाल लेंगे उसकी, कि उसने 8% गेन पे सेल किया है, तो हम क्या है सेलिंग प्राइस निकालेंगे। पर सेलिंग प्राइस किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, एस पी ऑफ बकेट आफ्टर, आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर गेन, गेन कितना हुआ था, आफ्टर गेन ऑफ 8% है ना, कि 8% गेन होने के बाद एसपी कितना है बकेट का। तो एसपी का फॉर्मूला कौन सा है गेन परसेंट के साथ, तो ये फॉर्मूला है ना, तो हम यही फॉर्मूला वहाँ पे क्या है अप्लाई करेंगे। सो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू क्या था भाई, 100+ गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी सॉरी अपॉन में 100 है ना, ये फॉर्मूला था। तो जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ डाल दो यहाँ पे, गेन परसेंट पता है ना, 100+8 अपॉन में 100, सीपी कितना लेट किया है हमने, एक्स किया है ना, इसको एक्स ही रखो एज इट इज़। सो 100+8 108 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो ये इसको कट हो रहे हैं तो कट करवा दो भाई, यस 5 पे जाएगा, देन 4 पे नीचे 50 आएगा, फिर कट हो रहे हैं, यस 25 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 हाँ, तो कट करवाने के बाद कितना आ जाएगा, 27/25x, ठीक है। तो इसको कट कराया तो इतना आ जाएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो अभी के लिए। हमने क्या किया, सिंपल हमें दिया हुआ था कि उसने उसको बेचा 8% गेन पे, तो हमने उसकी वो एसपी ही निकाल ली कि 8% गेन पे जब वो बेच रहा है तो उसकी कितनी एसपी होगी, कितने में बेचेगा। तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन में देखो कहाँ से बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन, आगे इज़ आगे पढ़ो, अभी इसको रहने दो, ये कंडीशन बाद में लगाते हैं। व्हेन ही सेल इज़ एट लॉस ऑफ 8%, अब वही फिर वो उसको बेच रहा है 8% लॉस पे, पहले गेन पे अब क्या है लॉस पे, तो यहाँ से भी इसकी एसपी निकाल लो। अब क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ बकेट आफ्टर लॉस ऑफ 8%, जब उसको लॉस हुआ 8% का, तो वहाँ से हम एसपी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, एसपी का सेम ही था सॉरी, 100-loss% ओवर में 100 इंटू में सीपी, हाँ सेम है, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे लॉस परसेंट आ जाएगा, पुट कर दो, जो चीज़ पता है लॉस परसेंट कितना है, 8/100 मल्टीप्लाई बाय सीपी कितनी है एक्स, तो एक्स 100 में से 8 गए, 92/100 इंटू एक्स, अब ये कट हो रहे हैं तो कट करवाओ, 4 आ जाएगा, 6/50 देन 25 देन 2, 3 यस, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 23/25x, सो डैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड बनी। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, उन्होंने हमें बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है बकेट की एट गेन ऑफ 8% क्या है वो, इज़ इक्वल है 28 मोर का मतलब 28+ है ना, मतलब इधर वाली जो एसपी है, ये वाली जो एसपी है, डैट इज़ इक्वल टू 28 मोर है किससे, लॉस, जब उसको लॉस हुआ 8%, तो दूसरे वाली एसपी से, एसपी इसको डैश ले लो चाहे, ठीक है कोई भी नोटेशन लगा लो ऊपर, ऐसे डैश डाल लो ताकि पता चलता रहे, ये वाली एसपी है दूसरे वाली, ठीक है। तो हमने कंडीशन में पुट कर देंगे सिंपल वैल्यूज़ को, हमें बोला था जो सेलिंग प्राइस है बकेट की, जब उसने 8% गेन किया, इज़ इक्वल है 28 ज़्यादा है किससे, जब उसने 8% लॉस किया है, तो इस ये एसपी कौन सी है, 28 लॉस करने वाली, तो ये कंडीशन हम नीचे लगाएंगे।
अब इसको ना आप ऐसे कर सकते हो, इसको सिंपल एस पी रहने दो, इसको एस पी डैश डाल लो ताकि हमें पता चलता रहे, ठीक है। लोस वाले के ऊपर ये एक वैसी हमने एक डैश सी लगा ली जिससे हम दोनों में फ़र्क पता कर सके कि कौन सी एस पी है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन अगर हम पुट करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी पहले वाली एस पी इज इक्वल टू क्या है, 28 ज़्यादा है सेकेंड वाली एस पी से, लोस वाली एस पी से। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, पहले वाली एस पी कितनी थी 27/25x इज इक्वल टू 28 प्लस दूसरे वाली कितनी थी, डैट इज 23/25x, है ना। तो देन इसको बस सॉल्व कर लो, x वालों को एक साइड पे ले जाओ, इसको हम लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट करवाए तो कितना आ जाएगा, -23/25x इज इक्वल टू कितना है 28 है। सो एलसीएम वगैरह लेके मैं सीधा लिख रही हूँ, 27-23 कितना आ जाएगा भाई, 4/25x इज इक्वल टू 28, ठीक है। एलसीएम लिया है, आप खुद से करके देखना हो जाएगा। सो देन अब x के साथ 4/25 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में उल्ट हो जाएंगे रिवर्स, सो 25/4 आ जाएगा। 4 के डबल पे जा रहा है ये 7 पे, 25/7 = 175, सो रुपीज़ 175 क्या आ गई उस बकेट की कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट इज इक्वल टू रुपीज़ 175। सो खुद से प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसी से कंप्लीट हुआ। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। काफ़ी है ये क्वेश्चन, थोड़े से मतलब थोड़े से है इनका लेवल, मान के चलो ये है थोड़े से डिफ़िकल्ट, तो इनको अच्छे से करना क्वेश्चंस को। तो फोर्थ, इसमें हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे वीडियो में, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब शॉपकीपर बाउट अ सेट ऑफ एंटीक प्लेट फॉर रुपीज़ इतने, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ ना शुरू में यहाँ पे नहीं बताई है ना, तो एक चीज़ समझो, चलो अभी से यही से समझा दूँगी। कह रहे हैं कोई शॉपकीपर है, वो बाउट कर रहा है, मतलब बाउट वो ख़रीद रहा है सेट ऑफ एंटीक प्लेट्स, कोई प्लेट्स का सेट है उसने इतने रुपीज़ में ख़रीदा, ठीक है, 3750 में, एंड स्पेंड 250 ऑन इट्स पॉलिशिंग। उसने क्या 250 उसके ऊपर खर्च कर दिया पॉलिशिंग में। एक ना एक टर्म होती है, यहाँ पे मैंने आपको भूल गई लगाना, ठीक है, वो एक टर्म होती है, समझ लो मेरी बात। जैसे कोई भी शो, हम ही मान लो हमने कोई चीज़ ख़रीदी, हमने सीपी मान लो हमने 200 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदी, ठीक है, 200 रुपये में ख़रीदी। और एक ना टर्म होती है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड आपके बुक में भी दी हुई है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऊपर के खर्चे, एक्सपेंसेस खर्चे, ओवरहेड मतलब ऊपर वाले खर्चे। जैसे हम कोई चीज़ पुरानी ख़रीद लेते हैं कई बार, और हमको उसको क्या रिपेयर करना पड़ता है ना, उसमें कुछ पैसे हम ऊपर से लगा देते हैं उसकी रिपेयरिंग में, पुरानी चीज़ को रिपेयर करने में, तो डैट आर द ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो अब देखो, जैसे हमने कोई चीज़ 200 रुपये में ख़रीद ली पुरानी, उसको पॉलिश कराया, उसको ये कराया वो कराया, तो ऊपर से मान लो हमने उस पर 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। एक्स्ट्रा क्या है, हमने उसमें एक्स्ट्रा 100 रुपया लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे, हमारी सीपी अब 200 नहीं रही, अब हमने 200 रुपये में तो ख़रीदी थी, 100 रुपया उस पर एक्स्ट्रा लगाया, तो हमारी जो टोटल सीपी है वो कैसे निकलेगी, कि टोटल कितने में हमें पड़ी है वो चीज़, डैट इज़ 200 + 100 कितने में, 300 में। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे ऊपर कोई ख़र्चा दिया होता है तो आप हमेशा उसको सीपी में क्या है ऐड करके टोटल सीपी निकालोगे हमेशा क्वेश्चन के लिए, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था, समझ तो आपको भी आ गया होगा, है ना, ये तो सिंपल लैंग्वेज की बात है, हम करते भी है कई बार कोई चीज़ ख़रीद के उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो कोई शॉपकीपर था, उसने बाउट किया है कोई प्लेट का सेट इतने रुपीज़ में, उसने 250 उसके ऊपर खर्च कर दिया उसकी पॉलिशिंग के लिए। आगे ही देन सोल्ड द सेट फॉर 4500, उसने देन सोल्ड किया है सेट को 4500 में। सिंपल है, देखो पहले तो उसकी टोटल सीपी ही निकाल लो, पहले नीचे लिखते हैं, अब हम इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले तो उसकी सीपी पहले कितनी थी, पहले उसने ख़रीदा था, प्रॉपर लिख लेना प्रॉपर पूरी लैंग्वेज में कि शॉपकीपर बाउट अ प्लेट सेट फॉर इतने रुपीज़, ठीक है, मैं सीधा लिख रही हूँ, इतने उसकी सीपी थी, और उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने थे, ओवरहेड एक्सपेंस चल लिख दो, रुपीज़ फॉर पॉलिशिंग के लिए कितने लगे, कुछ मर्जी लिख सकते हो,
ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके कितने ऊपर खर्च हुए हैं, ₹250। ठीक है, जब उसके ₹250 खर्च हुए तो उसकी टोटल सीपी कितनी बन गई, टोटल सीपी इज इक्वल टू 3750 प्लस ₹250। रुपीज़ डाल लेना, ठीक है, पीछे आगे सॉरी क्योंकि मेरे पास नहीं इतना याद रहता, ज़ीरो देन प्लस ज़ीरो देन वन फोर, 4000। तो उसकी टोटल सीपी कितनी बन गई, 4000। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है ही सोल्ड इट फॉर ₹4500, उसने उसको बेचा है, मतलब उसकी एसपी कितनी हो गई, ₹4500। अब इतने में उसने टोटल को ख़रीदा, उसको चीज़ को इतने में उसने बेच दिया, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है उसको लॉस होगा या प्रॉफिट, यही तो निकालना है। सो ख़रीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो अगर हमने प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितनी है, 4500 माइनस सीपी कितनी है, 4000। सो 500 हमारा क्या आ गया, डैट इज़ अवर प्रॉफिट। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसका परसेंट निकालना है। सिंपल नहीं निकालना, पहले तो हम बता देंगे कि प्रॉफिट हुआ है, अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो पुट कर दो, प्रॉफिट कितना हुआ है 500 का, सीपी कितनी थी उसकी 4000 की, मल्टीप्लाई बाय 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल होगी, ज़ीरो से ज़ीरो, 50/4, जितना भी आपका पॉइंट्स में आ गया, 4 1 4 1 0, 4 2 12 पॉइंट, 12.5 आई थिंक आ जाएगा, 12.45% क्या है उसका, प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक निकाल लेंगे जस्ट हम। ठीक है, आज तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है गणेश सेल्स 2 चेयर, गणेश सेल बेच रहा है 2 चेयर्स को 4 rupees 800 ईच। वो 2 चेयर को बेच रहा है पर क्या है, 200 उसका प्राइस 800 ईच है, मतलब 800 की एक है। ठीक है, चलो आप ऐसे करना, अभी ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी फिफ्थ, पर आप ना ये 9th और 10th क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है किसकी तरह, फोर्थ क्वेश्चन की तरह है 9th और 10th क्वेश्चन। तो 9th और 10th क्वेश्चन आपने खुद से करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कराऊंगी, अगर किसी को डाउट हुआ 9th और 10th क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये खुद करना है आपने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9th और 10th, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह है सेम 9th और 10th क्वेश्चन। तो अब हमारे सिर्फ 5th 6th 7th 8th 4 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, सो ये कंप्लीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।